तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने लोगों के दिलों पर अलग ही पहचान बनाई है। हर उम्र के लोग इस सीरियल के दीवाने हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार काफी पॉपुलर है। दिलीप जोशी पिछले करीब 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इसी किरदार को निभाते हुए उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग बन गई है। 2 मार्च को उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर आई जो कि खूब वायरल हो रही है। इस पर अब जेठालाल ने चुप्पी तोड़ी। कुछ दिन पहले नागपुर पुलिस को एक कॉल आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 25 हथियारबंद लोगों ने उनके घर को घेर रखा है, उनकी जान को खतरा है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पे फैंस ने भी उन्हें लेकर फिक्र जताई। अब इस मामले में खुद दिलीप जोशी का रिएक्शन सामने आया है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने इस बात की सच्चाई बताई। दिलीप जोशी ने कहा, यह न्यूज फेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता यह कैसे और कहां से शुरू हुआ। यह न्यूज पिछले 2 दिनों से सर्कुलेशन में है और मैं इस खबर को सुनने के बाद हैरान। हालांकि यह खबर झूठी निकली, लेकिन इसी बहाने अभिनेता को कई लोगों के फोन आए जिन्होंने उनका हाल चाल लिया। दिलीप जोशी ने कहा, भला हो उसका जिसने यह गलत खबर फैलाई। मुझे इतने लोगों के फोन आए मेरा हाल चाल पूछने के लिए, उनसे बात करके अच्छा लगा। इसी बहाने मुझे पता लगा कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, कितने सारे लोगों को मेरी और मेरे परिवार की चिंता है, यह जानकर मुझे अच्छा लगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमने अगर कुछ किया हो तो ऐसी बात निकले बिना सर पैर वाली खबर है। बता दी कि दिलीप जोशी से पहले अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मुकेश अम्बानी समेत कई सेलेब्स के घर को बम उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिलीप जोशी टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। एक्टर लंबे समय से तारक मेहता शो में जेठालाल का रोल निभा रहे हैं। इस शो को असित मोदी प्रोड्यूस कर रहे हैं। शो के हर कैरेक्टर की अपनी फैन फॉलोइंग है। वही तारक मेहता का शो पिछले 15 सालों से आ रहा है। खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनहित टाइम्स।